Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं ओवुलेशन के बाद जनरली एक हफ्ते से लेकर दो हफ्ते का टाइम लगता है. इस बीच बच्चा यूट्रन लाइनिंग में सक्सेसफुली चिपक जाता है. जब बच्चा चिपकता है तो महिलाओं की बॉडी में एससीजी हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो डे बाई डे बढ़ना शुरू हो जाता है और एससीजी हार्मोन हर 72 घंटे में डबल होता है. तो जब एससीजी हार्मोन राइज होता है तो महिलाओं की बॉडी में अर्ली फेज से ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं. तो कुछ लक्षण आपके पेट में फील होते हैं, कुछ मुंह में फील होते हैं, कुछ नाक में फील होते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अर्ली फेज में आपके माउथ में क्या बदलाव हो सकते हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं के टेस्ट में चेंज आता है. मेनली जो टेस्ट कंट्रोल करता है हार्मोन वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं के टेस्ट में बदलाव आता है. कुछ महिलाओं को टेस्ट मेटलिक सा लगता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ मेटल को चबा रही हैं. और ये जो चेंज है गाइस, ये आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं दिखेगा, दो दिन के लिए दिखेगा, क्योंकि कई बार ये होता है आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार आ गया तो मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, और जब आपकी तबीयत सही होती है तो मुंह का जो टेस्ट चेंज हुआ है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. बट प्रेगनेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है. प्रेगनेंसी के केस में आपको ये चेंजेस काफ़ी टाइम तक महसूस हो सकते हैं. तो कुछ महिलाओं में ये मेटालिक जैसी फीलिंग हो सकती है, कुछ महिलाओं में सॉल्टी लगता है, चाहे वो कैसा भी खाना खा रही हैं, अच्छा खाना खा रही हैं तो तब भी उनको ऐसा बासी टाइप का लगता है, या आपको कड़वा फील होता है, बासी फील होता है, जला हुआ फील होता है. ये जो फीलिंग होती है, चाहे आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, खाने के बाद, खाने से पहले कभी भी महसूस हो सकती है, और ये कंटिन्यू आपको ये टेस्ट में ऐसी फीलिंग महसूस हो सकती है जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हो. और इसके साथ जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत से बॉडी पार्ट में आपके टेंडरनेस जैसी फीलिंग, सोरनेस जैसी फीलिंग, या उन पर्टिकुलर एरियाज में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. तो उनमें से एक एरिया आपका गम्स भी है, यानी जो टीथ के नीचे का पार्ट होता है, जो मसूड़े होते हैं, वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से महिलाओं को रेडनेस जैसी फीलिंग होती है. हल्का हल्का आप हाथ लगाएंगे तो आपको हल्का हल्का सा स्वेलिंग सी महसूस हो सकती है. कई महिलाओं को मसूड़े साइड में ऐसा टेंडरनेस जैसी फीलिंग, हल्का हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, सोरनेस जैसी फीलिंग हो सकती है. और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में कई महिलाओं को शुगरी क्रेविंग ज़्यादा होती है, और कुछ महिलाओं की बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी भी हो जाती है पहले जो ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर बनता है बोन का. तो महिलाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की आमतौर पर डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. इसीलिए अगर आपको शुगरी क्रेविंग हो रही है या कोई डिफिशियंसी हो गई है तो अपनी बॉडी में डिफिशियंसी को पूरा करना है, और साथ में शुगर की तरफ ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं करना है. और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में जो टीथ के टिश्यूज होते हैं ये थोड़े टाइम के लूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके टीथ कमज़ोर हो गए हैं या उखड़ जाएंगे. बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो उखड़ेंगे नहीं, ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है, क्योंकि आपके जो टीथ के बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो लूज हो जाती हैं प्रेग्नेंट होने में. और इसके साथ साथ जब मुंह में सेंसिटिविटी बढ़ गई है, टीथ लूज हो गए हैं, तो कुछ महिलाओं में ब्रश करते टाइम हल्का सा ब्लड भी बाहर निकल सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है. इसके साथ आपको माउथ में ड्राइनेस जैसी फीलिंग, यानी आपको माउथ में सूखा सूखा सा फील होने लग जाता है ज़्यादा टाइम तक, जो नॉर्मली अगर आप पानी पी रहे हैं सही तरीके से, सही क्वांटिटी में, तो ऐसी फीलिंग आपको नहीं होती है. बट प्रेगनेंसी में बॉडी को वाटर की नीड ज़्यादा होती है, आपको आपकी बॉडी वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि आपकी बॉडी से ही सब चीज़ बच्चे को मिल रहा हो, चाहे वो वाटर है, न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, सबकी सप्लाई आपकी बॉडी से ही हो रही होती है. बट कई बार महिलाओं की बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से माउथ ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से कई महिलाओं में बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है. और इसके साथ साथ बहुत सी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उन्हें लगता है कि अचानक से उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये सब चेंजेस दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव
हो गई और इस टाइम से आपको प्रेगनेंसी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को बहुत आसानी से आप सस्टेन कर सकते हैं। तो गाइज यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।